जय जोहार, मैं रानू निषाद फिर आपके बीच में कमरछठ तिहार के दूसर कथा कहे के उद्यम करना चाहत हूँ। ता संगवारी हो, अचानकपुर गांव में एक जन साहूकार रहा। वो साहूकार हा बड़ा दयालु रहिस, वो साहूकार हा बड़ा सज्जन इंसान रहिस। अपन दयालुता ला दिखात ओहा गांव भर में तरिया पोखर पोखर नाल बोरिंग ये सब खनाए रह रहा है। फिर दुर्भाग्य देखो, ओ तरिया में एक बूंद पानी नहीं निकलिस, कुआं बावली खनेस पानी नहीं निकलिस, जेकर दुख के मारे ओ साहूकार चिंतित रह रहा है। अब साहूकार पैसा वाला तो रहा है, लेकिन सज्जन आदमी रहा है, कहीं के गांव मन ऐसे सरपंच बनाते तो इसने टाइप के वाला बड़ा इज्जत सम्मान देत रहा है, और गांव के मुखिया रहा है वो, और ओकर घर में ओकर बेटा रहा है, बहू रहा है, और ओकर 2 महीना का नाती रह रहा है। बेटा हा परदेश गए रहा है, एकर से थी साहूकार के चिंता है ते है ज़्यादा बढ़ गए। अब सब जन मन गांव वाले मन कहिस कि ऐसे ऐसे बात है सेठ जी, अब ये समस्या ले हमन कैसे निकलबो, पानी के कारण सब मन हलाकान हुआ थे वे, अब पानी नहीं रही तो हमर जिंदगी च नहीं रही, एकर बर कोनो उपाय करो। अब साहूकार बेचारा सज्जन आदमी रह रहे थे, मने मन में सोचा थे भगवान कौन ढंग ले मैं काय करूं कि ये पानी की जन समस्या है ते दूर हो जाए। सब जन इसने मीटिंग सकला के सब बैठे रहे रहते, और साहूकार सोचा करते वक्त की समय अचानक आकाशवाणी होते, और आकाशवाणी में ये बात आते कि साहूकार तोर अगर ते अपन बेटा के वो तरियाम जा के जे तरियल ते खनास वहाँ बलि दे देबे ते तुम्हार गांव हाँ में पानी छलके लग जाही, पानी के कभू कोई भी चीज के तुम्हार ला दुख तकलीफ नहीं हुई। काबर की पानी विषय से ना भाई, पानी गिरी तबेत किसान धान उगई, तबेत जोन भी काम करना है ते हो ही, मतलब पानी नहीं तो कुछ नहीं। अब वो आकाशवाणी सुनी ते साहूकार की चिंता बढ़ गए, काबर की बेटा परदेश गए, अब का करो, मन मन में बड़ दुखी है बड़ दुखी है। एक दिन घर में आते और इसने सोचा थे पानी और गांव वाले मन के समस्या ल लेके, त साहूकार के मन में बात आते कि क्यों ना ओकर 2 महीना के जे नाती है तहू तो ओकरे चंद से ओकरे बलि दे दी। फिर मन डर रहा थे, बहू अकेला है वो लइका सन में, अब बहू है रही ओकर महतारी रही, महतारी के राहत ले ओकर लइका कोई ओकर लइका ला कोई ऐसे खरोच तक ला दे, काकरो में हिम्मत है ये बात ला सोच के डर रहा थे। अब का करो भगवान, का करो भगवान, मन में सोचा थे डर रहा थे, फिर लोग के भलाई भर का करे, एक झन जही जही भगवान, लेकिन सबके भलाई हो जही, कोई त्राही त्राहित नहीं करही, कोई पानी के बिना मर ही तो नहीं काकरो परिवार, ऐसे सोच के बेचारा है मन में। अब एक ठन युक्ति वाला सोचते, एक ठन उपाय निकालते, कहते कि क्यों ना मैं हाँ अपन बहू ला भेज दूँ। अब भेज दी ही कहाँ, मैके तब मैके जही, तब मैके जाए बर कोनो बहाना तो घलो चाहिए। दूसरा दिन भादो महीना के छठ के दिन रही थे, और सब जन हमार महतारी मन उपवास रह रहे कमर छठ मैया के, ओकर बहू घलो रह रहे, बिहनिया लूटते रात का सोचे रह रहे साहूकार हम का करना है। आते अपन बहुल कथे, बहू तोर मैके ले खबर आए कथे, तक का हो गए बाबूजी का खबर आए, बहू पूछते, बहू घलो सर्वगुण संपन्न सुशील रहे रहे, कहते तोर माँ के तबीयत अब बड़ खराब है बहू, त तोला अब भी बुलावा थे वे मोर कर खबर भेजवाए रही से, ओकर कर खबर भेजवाए रही से कि मोर बेटी देख लेते हूँ कहके, तते हा कोनो देरी वेरी मत कर, जाते हा अपन माल देख के आबे। बहू कथे बाबूजी जाए बर तो चले जाते हो,
फिर आज कमरछठ के तिहार है, मैं उपास घलो हवो और ते जानथस कमरछठ तिहार में नांगर जोताए वाले जमीन में रेंगना भर जीते हुए आई और वो मैं नांगर जोताए वाले जमीन में मैं कैसे रेंगू बाबू जी, ऐसे ढंग ले कर प्रश्नवाचक बात रख देते। साहूकार कथे ओकर चिंता ते झन कर बहू, मैं है तोर बर कहार बुला दे हूँ, तेहा रेंगत नहीं जास ते डोला में बैठ के जाबे, तेह लैकल छोड़ दे अभी बिहनिया जा संझनिया ले ते आज अबे जल्दी जल्दी कर और निकल और सांझ ले ते आज अबे। अब बहू सास ससुर के बात ला कैसे बहू टाले, बिचारी हाव गई थे कहार मनाते डोला में बैठारते लैका घर में छूटते और वो चले जाते। अब एडहन एतिर बहू आ जाते अपन मई के, अब एडहन साहूकार अपन 2 महीना के नातिल धरते और बामन के गाँव के अब नहीं रह रहते बामन पंडित, इसने वो कर संजा के उतरिया में वो बलि दे देते लैका ला। अब लैकल बलि दे देते फिर मन में बहुत दुखी रहते कि ये भगवान कौन ढंग ले मोर से ये हो गए, फिर मैं का करूँ, मोर सामने में आदमी कर कभी कभी ऐसे समस्या आ जाते कि एक डहन कुआँ एक डहन खाई, मैं का करूँ, करो ते का करूँ, सब जन के जिम्मेदारी घलो मोर ऊपर में है वे, मैं अपन स्वार्थ ला देखूँ ते मोर गाँव वाले मन जही, ऐसे के भारी पश्चाताप अब बेचारा दुखी मन से घर में आते। अब एडहन ओकर बहू है अपन मैके में जाते, देखते सब जन मना सुंदर कमरछठ पूजा के तैयारी करत रहते, वहाँ ओकर महतारी भौजी काकी सब मंजूरी आए रहे रहते, देख के बड़ खुश होते। पहली अब काबर की समय ऐसे मंझनिया टाइम रह रहे थे, मंझनिया मंझनिया पहुँचते तो पहली कमरछठ तिहार में काबर उपास तो पहले रह रहे थे, वहाँ जाते और सुंदर कमरछठ मैया के षष्ठी मैया के पूजा करते, ध्यान करते, जितका नियम विधि विधान वो में लगते वो विधि विधान ला विधि विधान पूर्वक वो पूजा ला संपन्न करते, बने छेठन कहानी सुनते। अब वो छेठन कहानी सुने एक बाद में अपन माँ सबजन सन मिलते, देखते आश्चर्यचकित हो जाते, मोर ससुर है कि इस माँ के तबियत खराब है, मोर माँ तारित बने हैं तो ऐसा ढंग ले कैसे की सोई, मन में सोचिस चल कहीं नहीं होए कुछ भी होए, काबर की एन केन प्रकार एन मोला मोल मैकेल भेज दिस, काबर मई का चाहत अलग रह रहे, माँ से मिली सब मुलाकात करीस और कहीस कि ले माँ अब ए दे तुम्हारा देखे बार आ रहे हो, संगे संग कमरछठ मैया पूजा घलो हो गए, अब मैं जात हूँ 2 महीना के लैकल घर में छोड़ के आऊँ, कमरछठ मैया जय बोलवाइस और सुंदर भीड़ ओलम बैठ के आए लग गए। अब जैसे गांव तीर में आईस कहार मन लगा थे भैया ओ दे मोर ससुर का बोलते तरिया खाना है वो गे हो तत्की समय तो एकदम ठन ठन ले सूखा रही से और अभी लबा लब भर गए है, ये कमरछठ मैया के कृपा ले आज कमरछठ के दिन है और वे तरिया भर गए, मैं वो तरिया मेरे मोर लेक कन लेक दे, मैं गोड़ हाथ ला धोऊँ और गोड़ हाथ ला धो के मैं हाँ सुंदर अपन घर जाऊँ। कहार मल्ला पहली चेत आए रह रहे थे कहूँ जगह उतारबे मत कहूँ जगह कुछ मत करबे, फिर ओकर बात ला नहीं सुने फिर कहार मन ओकर अब ओकर जीत के मारे का करे बेचारा मन लेक थे तरिया में, अब तरिया में लेक थे सुंदर उतरते गोड़ हाथ धोते, पहली माता गंगा जल देवती माता के पाँव पड़ते और पाँव पर एक बाद में कमरछठ मैया के ओकर सुरता करते, कमरछठ मैया बार बार धन्यवाद देते और धन्यवाद ला देख बाद में ऐसे अपन अक्षरल जैसे फैलाते पाँव परत अपन अक्षरल जैसे फैलाते टूप ले ओकर लैका है ओकर अक्षरा माजत है और वो देख के बड़ खुश हो जाते आई मोर लैका ऐसे ये तरियम कैसे आगे सोही और वो ही खुशी मन से दौड़त 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 वही कर ले अपन ससुर कर जाते तो कह ससुर रोवत रहते कते बहू मोल माफ़ कर दे मोर से ऐसे ऐसे बोले पहली वो लैकल देख डरते ता माता कमरछठ महारानी के दया से ओ जो बहू रहते ओकर लैकल वापिस मिल जाते और साहूकार के मान रही जाते, तय ढंग ले माता कमरछठ महतारी माता षष्ठी महारानी है जैसे वो साहूकार के दुखला दूर ए ढंग ले माता कमरछठ महारानी के ये कथा पूरा होते। बोलो कमरछठ मैया की जय। जय जोहर संगवारी हो, मैं रानू निषाद आपके बीच में कमरछठ महतारी के कथा के एक ठन अंश जेला हम वो तिहार में देखथन। हमार महतारी मन हा सबो जिनिस के तैयारी करते जेमे लाई रहे रथे मऊहा रहे रथे भैंस के दूध दही घी रहे रहते
और छह किस्म के ओमे अन्न रहे रहते जेला हमन खाए बर मन हलाल चात रहे रहते के साथ साथ में बाटी भौरा गिल्ली डंडा इसे कर करके छह ठन जाति खिलौना चढ़ाते। और वो खिलौना चढ़ाए के पीछे के एक ठन छोटकिन कहानी है संगवारी हो जेला जब मोर माँ रही से वे तब वो मोर माँ ये कहानी बता रही सोला आपके बीच में मैं बताए की कोशिश करत हूँ कि एक झन हाँ एक झन माँ रह रही से और वो कर एक झन बेटा रही से वे माँ हाँ बेचारी गरीब ही रह रहा और ओकर जो बेटा रहते थे है एकदम हर समय कोनो कोनो सामान के जिद ला करे कि मैं ला खाऊं। अब गरीबी ने ले दे कर करके खुदे एक वक्त दो वक्त के रोटी के वहा इंतजाम कर पाते। अब वो ला कही मैं हाँ काजू कतली खाऊं, मैं लाड़ू खाऊं, मैं पेड़ा खाऊं, कहाँ ले बिचारी है। ता कहा है कि माँ मोला ये दे मोर बार खीर बना। माँ कहा है बेटा मैं कहाँ तोर बार खीर लाऊँ रे, अभी मोर का कहीं नहीं है ऑप्शन में, कौन माँ चाहिए कि रहते तक ओला अवकर लैका ला कोई भी वस्तु के अभाव होए। लैका कहते नहीं ते मोर बन नी ला देस ना, तैसे मैं इतने ते मोल में मांगतो तेल नहीं देस ना ते, तो मैं को मैं घर ला छोड़ के चले जाऊँ। माँ कहते जाबे जा कहाँ जाबे खेलबे कूदबे हुआ जाबे घर में। लैका इसने कहा है रुसाए घर ले बाहर जाए खेले कूदे और साँझ हो फिर आ जाए दोपहर हो फिर आ जाए। फिर इसने 15-20 दिन निकलते सब माँ मोर बार दे ले देना। महतारी कतिस नहीं है बेटा कहाँ ले। फिर लड़का कतिस मैं जावा तो मैं नहीं आऊँ और जातीस खेलते कूदतीस। फिर ऐसने इसने दिन है चलत रह रहा है। एक दिन लड़का बड़ गुस्सा लागते कथे माँ माँ मोर बार दे ले देना, माँ मोर बारे दे कपड़ा ले देना, माँ मोरे बारे दे ले देना, ऐसे कह के बढ़ के जिद करते। महतारी बिचारी मजबूरीन गरीबीन ते गरीबीन साथ में मजबूरी घलो कहते बेटा मोर का नहीं है रे, मैं नहीं ले रहा हूँ तोर बार नहीं ले कहाँ लूँ त नहीं अब मैं ते नहीं ले बे सहीच में मैं चले जाऊँ मैं अवनी आऊँ कहते ले जाबे जा। माँ कहा जाना थे कहा हो जही तेला कहते जाबे जा कहाँ जाबे घर से मैं लहूट के आबे। लड़का निकल जाते रिस के मारे एक दिन नहीं आए दो दिन नहीं आए तीन दिन नहीं आए ऐसे ऐसे करत करत 4-5 दिन बाद पता चलते कि गांव के तरिया में लड़का बूढ़ के मर गए। माल पता चलते ओकर छाती ऊपर तो बिजली गिर जाते। बड़ रोते बड़ रोते बड़ रोते अब ऐसे रोत रोत का करो भगवान का नहीं करो भगवान। ता कोई बताते संत मन ब्राह्मण बताते कि ते कर उपास रख छठ माता के, छठ माता के व्रत उपास ल रख और नियम धियम से पूजा कर तो लड़का वापिस मिल जाए। और कमर छठ माता रेला साध दे के साध के कमर छठ मैया के वह ध्यान लगा के ओकर पूजा अर्चना करते ओकर व्रत ला करते वो जो मरे लड़का रह रहते तरिया में ते जिंदा हो जाते। वो जो खिलौना रहते गिल्ली डंडा भौरा भाटी ते ये वो कमर छठ मातारी में चढ़ाते और ला अंत में जब कहानी कंथली सब पूरा हो जाते तो ला बांट दिए जाते। वो कहानी वो सगरी करा ये सब खिलौना ला चढ़ाए के पीछे के भावार्थ ये कि महतारी और बच्चा के बीच के जो प्रेम संबंध है जे खिलौना बनते वो हम मजबूत हो जाते तेकर वजह से खिलौना चढ़ाए जाते। तो संगवारी हो ए ढंग ले कमरछठ महतारी सब बर दया करते करुणा करते कृपा करते भादो महीने के ये छठ के दिन कमरछठ तिहार मनाते। अब ये कमरछठ तिहार के आप सब जन गाड़ा गाड़ा बधाई हो। कमरछठ मैया की जय। ओम ब्रह्म देवता नमः, ओम विष्णु देवता नमः, ओम सूर्य देवता नमः, ओम मंगल देवता नमः, ओम बुद्ध देवता नमः, ओम बृहस्पति देवता नमः, ओम शुक्र देवता नमः, ओम शनि देवता नमः। आओ सज्जनों माता बहनों भाइयों हल षष्ठी और कमर सट के बहुत बड़े आपके समक्ष महत्व बताथन जैन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम के जन्म होते वही माँ हल षष्ठी मनाए जाते हमार भारत भूया के जगह जगह
षष्ठी के दिन भादो के महीना माँ भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया के बलराम के हल षष्ठी के हो जाते, जेमा हमार भारत भूमि के नर नारी बहनी माता मन वही हल षष्ठी जेला कमर सट कहीथन ओकर उपास रहते, जेन उपास मा अपन बाल बच्चा के सुख शांति के लिए ओला रहे जाते, ओमा सगरी कोड़ाए जाते, जे सगरी मा दू ठन सगरी खनाए रहते और वही सगरी मा गंगा जल मिला के पानी डाल के वो सगरी के पूजा करते, वही सगरी मा काशी के फूल और बोईर के डारा ला फूल ला दसमत के फूल ला गुलाब के फूल ला सात प्रकार के फूल मन ला वही सगरी में सजाए रहते, नर नारी बहनी मन जाके गांव मा महाराज के घर जाके पूजा कराते और वही कमरसट मा जेन बाल बच्चा के सुख शांति के लिए कमरसट रह जाते, वही कमरसट मा पूजा होते उपास होते और बहनी मन उपास रहते, वही उपास के महत्व बहुत बड़े है, जेमा नांगर जोते वाले खेत मा कभू नहीं जाना है और नांगर जोताए वाले साग भाजी अन्न नहीं खाना है और उकर बहुत बड़े महत्व होते, सात प्रकार के भाजी ला सब्जी बनाते वो सब्जी में नमक नहीं डाले और बिना करसुल के वो साग ला पकाते, साथ साथ जेला अन्न माता कहीथन और बिना जोताए नांगर के बिना जोताए जेला पसेर चावल कहीथन वही पसेर चावल के बड़ा महत्व होते, जिन पसेर चावल भगवान हमार इष्ट देवता बलराम ला प्रसन्न होते, वही बलराम भैया के जन्म के अवसर में कमरसट और षष्ठी ला मनाए जाते और अष्टमी के कृष्ण जन्माष्टमी होते और पहली भगवान बलराम के पूजा होते और उही पूजा मा सगरी मा तीर तीर फूल बोईर के डारा कांसी के फूल के पूजा होते और सात प्रकार के बिना जोताए वाले फल फूल लघलो चघाते, जेमा प्रसाद बनते हमार हल षष्ठी मा लाई मऊहा गेहूं उरद चना अवे सात प्रकार के अन्न मिला के सगरी में भोग लगाते, जेमें मऊहा के फल ला बड़ा महत्व माने जाते, वही मऊहा के फल ला सगरी में भोग लगाए से भगवान हा बहुत प्रसन्न होते और आज हमार भारत भूमि के जगह जगह हल षष्ठी मनाते, गांव शहर मा हल षष्ठी के बड़ा महत्व होते, वही हल षष्ठी हमार भादो के महीना मा मनाए जाते, जेन भादो के महीना कड़कड़ पानी गिरत रही थे और बिजली चमकत रही थे काला काला बादल रही थे, वही समय हल षष्ठी मनाए बर हमार दीदी मन बहनी मन महाराज के घर जाते, शेर सीधा मा सुग्घर सजा के पान सुपारी हल्दी शेर चावल और धर के वही सगरी माँ भेंट करते और सगरी माँ भेंट करे के बाद भगवान बलराम प्रसन्न होते और सब नर नारी ला आशीष देते, आवाओ वही हमार कमरसट के महत्व आपके बीच सुनाए हन, जय भारत जय छत्तीसगढ़।